हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में। आज के हमारे इस वीडियो का टॉपिक है, अगर आपको बहुत ज़्यादा कमजोरी हो गई है, सेक्सुअल कमजोरी हो गई है, अब चाहे आपको धात जाने लगी है, प्रोस्टेटिक डिस्चार्ज जाने लगा है, स्पर्मेटोरी आपको होने लगा है, डोसा हमें पेशाब में चिपचिपा पदार्थ भी जाने लगा है, ड्यूरिंग स्टूल भी हमें चिपचिपा पदार्थ जाने लगा है, और हमारी हिस्ट्री है कि एक्सेसिव मास्टुबेशन की हुई या फिर एक्सेसिव सेक्स हमने किया हुआ है, तो अनमेरिड व्यक्ति भी हो सकते हैं और मैरिड व्यक्ति भी हो सकते हैं। तो उसकी पूर्ति करने के लिए आप किन दवाइयों को इस्तेमाल करेंगे, दो होम्योपैथिक मेडिसिन बताऊंगा, और जल्दी से आराम और अच्छा आराम देखने के लिए दो आयुर्वेदिक मेडिसिन मैं आपको इसमें बताऊंगा। किसी भी मेडिसिन का कोई भी साइड इफेक्ट नहीं होगा, तो कंटिन्यूसली आप इन दवाई को इस्तेमाल कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को जरूर लाइक कर देना और वीडियो को कंटिन्यू जरूर देखना, जिससे आपको पूरा फायदा लग सके। मेडिसिन की तरफ चलते हैं, जिसका नाम है स्टेफिसगीरिया। ये होम्योपैथी की बहुत अच्छी मेडिसिन है, जहाँ पे पेशेंट ने बहुत ज़्यादा मास्टरबेशन की हुई है और उसकी वजह से अब वह काफ़ी ज़्यादा वीक हो चुका है, सक्षम उसके अंदर, मतलब उसके अंदर कोई भी क्षमता नहीं रही है। तो होम्योपैथी हम देखते हैं तो इस तरह से तो बहुत सारे मेडिसन्स हैं जहाँ पे मास्टरबेशन करने के बाद पेशेंट को बहुत सारी दिक्कत आई हैं। एपिस भी है और लाइकोपोडियम है, चाइना है, और इन्हीं में से दवाई आती है स्टेफिसगीरिया और नक्स वोमिका। तो इनमें से आपको स्टेफिसगीरिया यूज़ करनी है, पिक्चर मैं आपके सामने लगा दूंगा। तो स्टेफिसगीरिया 30 पावर में आपको ला के रखनी है, कैसे ली जाएगी वो मैं आपको वीडियो के लास्ट में बताऊंगा। ये है पहली मेडिसिन। सेकेंड मेडिसिन जो आपको लानी है, इसमें लानी है एग्नस कास्टस। ये होम्योपैथिक का बहुत अच्छा मदर टिंचर है, सारी समस्याओं को ठीक करता है, जो भी सेक्सुअल वाली प्रॉब्लम्स हो जाती हैं पेशेंट को। और हिस्ट्री में हमें देखने को मिलता है कि पेशेंट ने बहुत ज़्यादा मास्टरबेशन की हुई है, बहुत ज़्यादा उसके अंदर सेक्सुअल डिजायर थी, बट अब जो है चेंजेस होने लगे हैं, क्योंकि उसने जो सारी डिज़ायर अपनी पूरी कर ली, वह सक्षम नहीं रहा किसी को भी सेटिस्फाई करने में, और देखने में काफ़ी पतला हो चुका है और बहुत ज़्यादा कमजोरी उसके अंदर आ चुकी है। तो सेकेंड मेडिसिन एग्नस मदर टिंचर, एग्नस कास्टस मदर टिंचर। ये हो गया दोस्तों दो होम्योपैथिक दवाइयाँ। दो आपको आयुर्वेदिक दवाइयाँ लानी है, जिसमें से आपको पहली मेडिसिन लानी है वीर्य शोधन बटी। बहुत अच्छी और बहुत इफेक्टिव रिजल्ट ये देती है पेशेंट्स को, अगर साथ में हम इसके चलाते हैं तो। वीर्य शोधन बटी आप लाएंगे तो वैद्यनाथ कंपनी की आपको मिल जाएगी, वैद्यनाथ कंपनी की आप कोशिश कीजिए लाइए। तो इसकी एक एक गोली आप सुबह शाम खाइए, लगभग 50 टैबलेट्स आपको इसके अंदर मिलेंगी, 50 या 60 टैबलेट आपको इसके अंदर मिलेंगी। तो एक एक गोली सुबह शाम आपको दूध के साथ इस्तेमाल करनी है, ठीक है, पिक्चर मैं आपके सामने लगा दूंगा इसकी। इसी के साथ आपको दूसरी दवाई लानी है, जिसका नाम है रसायन बटी। ये जो आपके अंदर वीकनेस हुई है, चाहे वो मेंटली वीकनेस हो गई है, फिजिकली वीकनेस हो गई है, या फिर लिबिडो वाली प्रॉब्लम हो गई कि लॉस ऑफ लिबिडो हो गया, सेक्सुअल डिजायर आपकी कम हो गई है, इरेक्शन कम आती है, तो सेक्स से जुड़ी हुई सारी समस्याओं को ये सारी मेडिसिन जो है कवर करके चलेंगी। जो आपके अंदर वीकनेस आ गई है उसको भी ठीक करके चलेंगी चलेंगी, जो पास्ट में नुकसान हुआ है उसकी भी पूर्ति करेंगी करेंगी। तो रसायन वटी आप लाइए, इसकी भी आपने एक एक गोली सुबह शाम इस्तेमाल करनी है, और कोशिश कीजिए जो रात वाली आप डोज लेंगे आयुर्वेदिक वाली, उसको आप दूध के साथ लीजिए, दिन वाली डोज को आप पानी के साथ भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बात आती है होम्योपैथिक की डोज की, आप उसको किस तरीके से देंगे। तो स्टेफिसगीरिया केवल 10 दिन ही इस्तेमाल करनी है, केवल सुबह सुबह इसकी 5 बूंदें 2-3 चम्मच पानी में डाल के आप इसको पी लीजिए। यह नंबर एक, केवल 10 दिन ही इस्तेमाल करनी है, इसके बाद आपको इस्तेमाल ये नहीं करनी है। सेकेंड जो मेडिसिन बताइए एग्नस, इसकी आपने 10 से 15 बूंदे 2-3 चम्मच पानी में आप इसको डाल लीजिए, या फिर आधे कप ताजे पानी में आप इसको डाल लीजिए, और इस दवाई को आप कंटिन्यूसली इस्तेमाल कीजिए। ठीक है, कंटिन्यूसली का मतलब ये है कि आपने 1 से 2 महीने तक कंटिन्यू इस्तेमाल करनी है, और लगभग 15 से 20 बूंदे आधे कप ताजे पानी में खाना खाने के आधे घंटे बाद इस्तेमाल करनी है, और दिन में 3 बार आपको दवाई इस्तेमाल करनी है। ठीक है, ये 4 दवाइयों का जो कॉम्बिनेशन है, वास्तव में जो 3 दवाइयों का कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा है। अब आप ऐसा मत सोचना कि होम्योपैथी के साथ हम आयुर्वेदिक लेंगे नुकसान ना दे जाए, ये ना हो जाए, ये सारी चीज़ें जो है मत सोचिए, कोई भी आपको नुकसान नहीं होगा, बेनिफिट ही आपको लगेगा। आपने होम्योपैथी की दोनों दवाइयाँ ली हुई हैं या एग्नस लिया हुआ है और आपको फायदा नहीं लगा है, तो आप आयुर्वेदिक दवाइयाँ ये वाली इस्तेमाल कर लीजिए, वीर्य शोधन वटी एंड रसायन वटी जो मैंने आपको बताई है, किसी अच्छी कंपनी का आप लीजिए। और प्रमोशन या किसी भी मेडिसिन का नहीं है, आप किसी भी कंपनी की दवाई ले सकते हैं, कहीं से भी आप खरीद सकते हैं। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, वीडियो अच्छा लगा वीडियो को जरूर लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू सो मच।